जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत आपके अपने YouTube चैनल पर। जी हां साथियों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की इस वक्त बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। हां साथियों, हम आपको बता दें, कांग्रेस सरकार की महासचिव प्रियंका गांधी का शिवराज सिंह चौहान पर एक और बड़ा हमला। बोली रास्ता नवाने से ही बंदा बनना मामा तो कंस भी हो था। जी हां साथियों, बने ये न्यूज के साथ। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, ताकि मेरे द्वारा डाली गई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हां साथियों, बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता भाजपा के कुशासन से थक चुकी है और जनता के मन में ठाना है कि इस बार मध्य प्रदेश से मामा को हटाना है। जी हां साथियों, इस बार कह देंगे तो मामा ही का रिश्ता नहीं बचेगा। हां साथियों, बता दें कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत को याद करते हुए प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा किया और सीएम शिवराज पर जमकर निशाना साधा। बताया कि 22,000 घोषणाओं में से मामा ने अभी तक केवल 22 घोषणाएं पूरी नहीं की है। जी हां साथियों, क्या इन सभी के साथ बन पाई मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। हां साथियों, इस बार मध्य प्रदेश की महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि इस बार अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनती है तो हम किसानों का 2,00,000 रुपए का तक का कर्ज माफ करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में इस बार 2,500 रुपए प्रति क्विंटल समर्थक मूल्य खरीदने गेहूं खरीदने वाले हैं। अगर सरकार बनती है तो इस बार मध्य प्रदेश की जनता को आरक्षण मिलने वाला है। जय हिंद साथियों, वीडियो चले तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में।